नमस्ते फ्रेंड, मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं हरा मटर और गेहूं के आटे से बना बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। तो देख सकते हैं हमारा नाश्ता तो बहुत ही अच्छा हम नाश्ता बनाकर तैयार किए हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जो बगल में दिया हुआ है उसे प्लीज़ फ्रेंड प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए हम फटाफट से ही नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरा मटर हम ले लिए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा दरदरा सा इसको हम पीस लेते हैं। उसके आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हरा मटर हम मिक्सी में डाल दिए हैं और ये तीन चार लहसुन की कलियाँ तो हम पीस लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए फ्रेंड, हम पीस लिए हैं। तो चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिलिंग हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक कप हम आटा ले रहे हैं, गेहूं का आटा है। तो आटा में हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं हाथों से क्रश करके और स्वाद के अनुसार नमक। और धीरे धीरे पानी डालते हुए और हम आटा को गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो हम थोड़ा कड़ा ही आटा लगाएंगे ताकि हमारा नाश्ता जो बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बने। तो हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड, हम आटा लगा लिए हैं तो इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। चलिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे पर हम कढ़ाई को चढ़ा लिए हैं और कढ़ाई में हम डालते हैं फिलिंग तैयार करने के लिए सरसों का तेल। तो तेल हम एक चम्मच डालेंगे और अब यहीं पे हम डालेंगे साबुत जीरा। और थोड़ा चटकने देते हैं जीरा को। तो यहाँ पे हम डालेंगे ये हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मेरा थोड़ा लाल हो गया है। तो अब यहीं पे हम डालेंगे एक प्याज, तो मीडियम साइज का प्याज जिसे हम चॉप काट लिए थे। तो प्याज को थोड़ा हम सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो हम यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तीखा के अनुसार से। और दोनों मसाले को हम भून लेते हैं। तो देखिए हमारा प्याज और मसाला भून गया है। तो यहीं पे हम डालते हैं ये पीसा हुआ हरा मटर। तो यहाँ पे देखिए हम मटर को भून रहे हैं। तो यहीं पे हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च जिसे हम कूट लिए हैं। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहीं पे हम डालते हैं नमक और नमक को डालकर भून लेते हैं बढ़िया से। तो यहाँ मेरा फिलिंग तैयार हो गया फ्रेंड। तो थोड़ा सा हम धनिया के पत्ते डाल देते हैं। ये धनिया के पत्ते हम कल ही मंगाए थे, देखिए कैसा हो गया है। तो मेरा फिलिंग तैयार हो गया है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। चलिए आटा को हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा आटा भी बहुत अच्छा से सेट हो गया है। तो थोड़ा हम हाथों से मसल देते हैं यहीं से और चलिए नाश्ता बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे से लोई हम बना लेते हैं। तो देखिए हम लोई बना लिए हैं। तो हमारा लोई 6 है। तो चलिए फ्रेंड बनाते। तो ये देखिए फ्रेंड, एक लोई को हम लेते हुए और गोल बनाकर और सूखे आटे में लपेट कर और हम रोटी बेलेंगे। और रोटी जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से हम रोटी पतला सा बेल कर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम रोटी बेल कर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम फिलिंग रखते हैं इसके ऊपर नाश्ते बनाने के लिए। तो फिलिंग हम देखिए इस तरीके से रखेंगे, हम पहले रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिलिंग लगा लिए हैं और एक तरफ से लेकर के और इसे देखिए हम इस तरीके से मोड़ेंगे।
तो देख सकते हैं फ्रेंड, और किनारे पर जाते हुए यहाँ पे हम थोड़ा पानी लगा देंगे और इसको पैक कर देंगे, और फिर इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हम प्रेस कर दिए हाथों से और इसको हम इस तरीके से घुमाते हुए, और ये देखिए, और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगा के और इसको बंद कर देंगे, और इसे ये नाश्ता का सेब हम दे देंगे। तो देखिए एक नाश्ता हमारा तैयार हो गया है बनकर, तो उसी तरह से हम सारे नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा सभी नाश्ता बनकर तैयार है, चलिए चलते हैं चूल्हे के पास। तो देखिए फ्रेंड, हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिए और कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो तेल हम ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही तेल डालेंगे, क्योंकि बहुत ही कम तेल में हम बनाने वाले हैं ये नाश्ते को। यहाँ पे तेल मेरा गर्म हो गया है, तो हम एक नाश्ते को डालकर और तलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम दूसरी तरफ से पलट लिए हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा कलर आ गया है नाश्ते पे। तो हम तलकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा हरा मटर का नाश्ता बहुत ही टेस्टी यम्मी बनकर तैयार है। तो देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हमारा नाश्ता बना है। तो देखिए, तो इसकी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कैसा हमारा नाश्ता बना हो। तो मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। कमेंट करते हैं आप लोग तो हमें अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, और हम बढ़िया से बढ़िया रेसिपी बनाकर डालेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोई बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।